हम लोग यूजर ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। आई थिंक मैं पहले आपको उसकी एग्जांपल दे लेता हूँ म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के बारे में, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आप जब भी दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करें तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करें, वेरीफाई करें कि क्या ये वही पार्टी है जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ या फिर और पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके मोबाइल फोन पे आपको एक कॉल रिसीव होती है फ्रॉम एन अननोन नंबर। अब वो जो कॉलर है वो कहता है कि मैं आपका डी टीचर डॉक्टर साहब बात कर रहा हूँ, और आपका जो फाइनल एग्जाम है वो 2 हफ्ते के लिए डिले हो गया है। पहले आपका अगर एग्जाम इस डेट को था तो अब आपका जो फाइनल एग्जाम है वो 2 हफ्ते बाद होगा। अब जो कॉलर है उसको पता है कि मैं इस बंदे से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसको आपका नाम पता है, उसको आपका मोबाइल फोन नंबर पता है, उसको ये पता है कि आप ये कोर्स ले इस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और आपका उसका जो फाइनल एग्जाम है वो इस डेट को है। तभी इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो फाइनल एग्जाम है वो 2 वीक्स के लिए डिले हो गया है। अब उसको तो आप पता है आपका, लेकिन आई मीन उसने आपको वेरीफाई किया है ऑलरेडी कि आप ये बंदे हैं, लेकिन आप ये कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे क्या ये जो बंदा कॉल कर रहा है ये वाकई ही नहीं डॉक्टर अफजाल है या फिर कोई और बंदा है जो इम्परसोनेट कर रहा है एज अ डॉक्टर अफजाल। क्योंकि लेट्स से अगर वो बंदा हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो आपका खैर ख्वाह ना हो और वो आपको कॉल करके आपका जो एग्जाम है फाइनल एग्जाम वो मिस करवाने की कोशिश कर रहा हो, तो हो सकता है आप उसको बातों में आ जाए, फिर आप कहेंगे ठीक है मेरा एग्जाम 2 हफ्ते बाद डिले हो गया है, तो अब आप स्कूल से बैठ जाएं तो आप एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दें, और जिस दिन एग्जाम हो आप उस दिन आराम से सो रहे हो या फिर किसी और काम में बिजी हो, तो आपका एग्जाम इस तरह मिस हो जाए। अब यहाँ पे चेक करें इस इन दिस सिनेरियो जस्ट वन वे ऑथेंटिकेशन है, जो बंदा वो कॉल कर रहा है सिर्फ वो उसने ऑथेंटिकेट किया है वेरीफाई किया है कि हाँ जिस बंदे को मैं कॉल कर रहा हूँ ये बंदा है। अब द अदर वे अराउंड आई मीन आपने उस कॉलर को ऑथेंटिकेट नहीं किया हुआ। अब लेट्स सी अनदर सिनेरियो जिसके अंदर लेट्स सी आपके पास आपके मोबाइल फोन के अंदर आपका जो टीचर है डॉक्टर साहब उसका जो मोबाइल फोन नंबर है वो सेव्ड है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी आप कभी मेरे ऑफिस में आए थे जब यूनिवर्सिटी ओपन थी, तो आप मेरे ऑफिस में आए थे तो फिर आपने मुझसे मेरा नंबर मांगा, मैंने आपको नंबर दे दिया, आपके मोबाइल फोन में मेरा नंबर सेव है। अब लेट्स से जब आपको कॉल आती है तो आपका जो मोबाइल फोन है उस पर जो नंबर शो उस पर जो नाम शो हो रहा है वो होगा डॉक्टर अफजाल लेडी यूनिवर्सिटी। अब इससे क्या होगा, आप यहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं कि ठीक है ये जो कॉल आ रही है ये डॉक्टर अफजाल के नंबर से आ रही है, तो इट्स हाई प्रॉबेबल कि डॉक्टर अफजाल ही कॉल कर रहे होंगे आप। तो जब आपको कॉल आती है फिर वही बात, वो बंदा आपसे कॉल आपसे कहता है कि आपका एग्जाम डिले हो गया ये वो दिस दिस एंड दैट थिंग, तो अब उस बंदे ने आपको वेरीफाई किया हुआ है क्योंकि उसको पता है कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन है। अब आपने कैसे वेरीफाई किया, क्योंकि आपको डॉक्टर अफजाल के नंबर से कॉल आ रही है, दिस इज म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन, दिस इज टू वे ऑथेंटिकेशन, सही हो गया। अब इसी तरह अगर हम इस सिनेरियो को ले जाएं डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर, जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लेट्स से, या फिर जब आप अपने जो अकाउंट्स हैं ऑनलाइन अकाउंट्स उनका आप एक्सेस करते हैं, तो फिर आप कैसे फिर म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन कैसे होती है। अब इन दैट केस जो वन वे ऑथेंटिकेशन है, जो सिंगल वे ऑथेंटिकेशन है, वो तो ये है कि आपका जो लॉग इन पेज है जिस पर आप लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से जीमेल का या फेसबुक का लॉग इन पेज है जिस पर आप लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, उस लॉग इन पेज पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। अब जो लॉग इन पेज है आपका पासवर्ड यूजर नेम को बैक एंड पे उनके सर्वर पे भेजेगी, और फिर इन दैट वे दे ऑथेंटिकेट दे वेरीफाई दैट इट्स रियली यू हु आर ट्राइंग टू एक्सेस योर अकाउंट। वैसे वो आपके यूजर नेम पासवर्ड के बेस पे आप ऑथेंटिकेट या वेरीफाई करेंगे। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि जिस वेब पेज को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये वही वेब पेज है जिस पे आपका अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि वाकई facebook.com है या फिर लेट्स वाकई ही में gmail.com है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो हैकर्स हैं या जो एडवर्सरीज हैं मैलिशियस पार्टीज हैं वो जो facebook.com और लेट्स से gmail.com के लॉगिन पेजेस हैं
उन पे जितने भी ग्राफिक्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उस सब को कॉपी कर लें, फिर उससे मिलता जुलता अपना एक लॉगिन पेज तैयार कर लें और वो आपके ब्राउजर पे अलर्ट से खोल दें, ताकि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड उसमें एंटर करें तो आपका यूजर नेम पासवर्ड जो हैकर्स हैं उन तक पहुँच जाएगा। तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि जिस वेब पेज लॉगिन पेज के ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, क्या ये वाकई ही वही है जिसके पास जिसके ऊपर आपका अकाउंट है, या फिर लग सही कोई फेक वेब पेज है। अब आपने पढ़ा होगा डिजिटल सर्टिफिकेट, पब्लिक सर्टिफिकेट X.509 जो स्टैंडर्ड है सर्टिफिकेट्स का, उसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीक में। अब थ्रू डिजिटल सर्टिफिकेट आप वेरीफाई करेंगे कि ये जो मेरा पेज है क्या ये वही है जिसमें मेरा अकाउंट है, या फिर ये कुछ फेक है। क्योंकि अगर तो लेट्स से वो फेक वेब पेज हुआ तो उसको डिजिटल सर्टिफिकेट उसका कह लें कि किसी वेल नोन सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने सर्टिफाई नहीं किया होगा उसका सर्टिफिकेट है, या लेट्स से अगर उसका जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो किसी वेल नोन वेल ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इशू किया हो, इन दैट केस वो जो उसका जो लिंक है वो facebook.com या फिर gmail.com से काफ़ी डिफरेंट होगा। अब उसमें आप जो सर्टिफिकेट आप ओपन करेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट है किस पार्टी को इशू किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर वो जो आपके आपके जो एड्रेस बार के अंदर वो जो आता है ना जो ग्रीन सा लॉक आता है लॉक बना हुआ, और जो लॉक जो लॉक है वो लॉक्ड होता है, उसकी बेस पे आप ये समझ सकते हैं ठीक है ये जो वेब पेज में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ ये ऑथेंटिक है, ये आई मीन फेक नहीं है। अब दिस इज हाउ यू वेरीफाई यू ऑथेंटिकेट तरह पेज द लॉग इन पेज, ये आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं थ्रू डिजिटल सर्टिफिकेट। अब वो जो लॉग इन पेज है वो आपको कैसे ऑथेंटिकेट करेगा, थ्रू योर यूजर नेम पासवर्ड। क्या आपने अगर करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया तो वो जो लॉग इन पेज है वो समझ जाएगा कि ये आप ही हैं जो इस अकाउंट तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इट्स सपोज कि आपका यूजर नेम पासवर्ड सिर्फ आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता। तो इसलिए दिस इज द वे हाउ म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन वर्क्स। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना, तो उसके अंदर आप लोगों को शायद याद हो कि हमने ये भी देखा था कि जो दोनों पार्टीज हैं वो आपस में एक दूसरे को वेरीफाई कैसे करेंगे की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्योंकि जब दोनों पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, दे वांट टू हैव अ कंसेंसस ऑन अ म्यूचुअल की, जिसके जिसको यूज करते हुए कम्युनिकेट कर सकें, इन दैट केस दोनों पार्टीज आपसे कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे को। तो अब यहाँ पे जो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन है ये इस बात के लिए भी नेसेसरी है कि ये जो दोनों पार्टीज हैं वो अपने एक सेशन की जो है वो उस पर कैसे कंसेंसस करेंगे, उस पर कैसे एग्री करेंगे। अब सेशन की वो है कि आपको याद होगा जब हमने सिमेट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना, तो उसके अंदर जो दो पार्टीज हैं सेंटर है एक सेंट्रल पार्टी है, उनके बीच में एक मास्टर की ऑलरेडी थी। लेकिन लेट्स से जब दो यूजर्स में आपस में कम्युनिकेट करना हो तो वो दोनों उन दोनों में से एक जो यूजर है वो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कॉन्टैक्ट करेगा और रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे की दें जिसको यूज करते हुए मैं सेकंड पार्टी से कम्युनिकेट कर सकूँ। तो वो जो की डी सी है वो एक सेशन की जनरेट करके उसे एक यूजर को भेज देगा। तो वो जो सेशन की है असल में जब वो आप जनरेट करवाते हैं आपने उस पर एग्री करना हो तो उसके अंदर दो इश्यू आते हैं, एक तो होता है उस सेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, और फिर दूसरा होता है कि उस सेशन की फ्रेशनेस का, कि क्या या फिर लेट्स से उसके अंदर टाइम की जो टाइम का फैक्टर है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब पहले हम देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। अब उसके अंदर ये है कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर कि जो आप अपनी आईडी इंफॉर्मेशन और लेट्स से जो सेशन की आप भेज रहे हैं दूसरी पार्टी को, दैट शुड बी इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्म। आप ये देखिए सादी सी बात है कि आपने इस की को सेशन की को यूज़ करते हुए आप सेशन की आप किस लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उस पर किस लिए एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप दूसरी पार्टी के साथ सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकें। अब सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकें अब इसका मतलब है आप उस पार्टी से एनक्रिप्टेड फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकें। अब जब आपकी सेशन की ही
अब उसके लिए बेहतर है कि आपने जो सेशन किया उसका आपके अलावा और आप दूसरी पार्टी है उसके अलावा किसी को बताना हो। अब अगर आपके सेशन की कंप्रोमाइज हो जाए, आई मीन अगर आपकी जो सेशन किया आप किसी थर्ड पार्टी को भी पता चल जाए, फिर क्या होगा? फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है दोनों की वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप जो उस पार्टी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एनक्रिप्टेड फॉर्म में जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं, वो जिस थर्ड पार्टी के पास आपकी सेशन की है वो भी उस डेटा को डिक्रिप्ट करके तो उसको रीड करती रहेगी। तो इसलिए इन दैट केस अगर जो सेशन की आपकी कम्प्रोमाइज होगी तो उसका फायदा कौन होगा आपको, बल्कि उसका आपको उल्टा नुकसान होगा कि आप ये समझ लेंगे कि ठीक है मेरी जो की है जो मेरा डेटा है ये कोई रीड नहीं कर रहा, आप बड़े ना कहने स्कूल बैठे होंगे। लेकिन क्या हो रहा होगा, आप जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा सेंड कर रहे होंगे वो भी थर्ड पार्टी है जो हैकर है वो भी उसको डिक्रिप्ट करके रीड कर रहा होगा। तो इसलिए जो आपकी सेशन की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने सेशन की जिस पे आप एग्री कर रहे हैं, अब जब आपने उसको ही सिक्योर वे में भेजना हो, मतलब ये कि यू वांट टू सेंड दैट इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस सेशन की को एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करना चाह रहे हैं तो उसको एनक्रिप्ट करने के लिए इट मींस कि आपके पास या लेट से जिसको आप सेंड कर रहे हैं सेशन की एनक्रिप्टेड फॉर्म में, आपके बीच में और सेकंड पार्टी के बीच में एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग की होनी चाहिए जिसको यूज करते हुए आप उस सेशन की को एनक्रिप्ट करेंगे। अब यहाँ पे वो जो प्री एग्जिस्टिंग की है वो आपकी सिमेट्रिक की भी हो सकती है और वो आपकी पब्लिक की भी हो सकती है। अगर वो सिमेट्रिक की हुई लेट्स से मास्टर की, तो वो जो मास्टर सिमेट्रिक मास्टर की है वो आपके और वो वाली पार्टी जो आपको सेशन की सेंड कर रही है आप दोनों के बीच में होनी चाहिए और उसकी और किसी को पता ना हो। अगर पब्लिक की के केस में जब वो पार्टी आपको सेशन की भेज रही है या आप किसी और को सेशन की भेज रहे हैं तो जो सेंडर है उसके पास रिसीवर की पब्लिक की का होना जरूरी है, ताकि वो लेट से अगर आपको सेंड कर रहा है कोई सेशन की तो अगर उसके पास आपकी पब्लिक की है और उसको पता है एंड ही इज श्योर ये दिस पब्लिक की बिलोंग्स टू यू, तो वो जब आपकी पब्लिक की के साथ उस सेशन की को एनक्रिप्ट करके आपको भेजेगा ना, तो उसको रस्ते में कोई बंदा भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस पब्लिक की जो कोरिस्पोंडिंग प्राइवेट की है वो आपके पास है। आप अब क्या करेंगे, जब आपको वो अनक्रिप्टेड फॉर्म सेशन की मिलेगी तो आप अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए उसको डिक्रिप्ट करेंगे एंड यू विल रिकवर द सेशन फ्रॉम इनसाइड। सही हो गया? तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी होगी जो आप सेशन की को एग्री कर रहे हैं, जो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के दौरान जो दोनों पार्टीज आपस में सेशन की पे कंसेंसस करेंगे, उस सेशन की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा इशू है टाइमलीनेस का, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जो सेशन की है अगर आप उसको टाइमली एग्री नहीं करते, आई मीन अगर उस म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो देर हो जाती है, तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसको बाद में रीप्ले टैग के लिए यूज़ किया जा सके। अब रीप्ले का मतलब है कि आई मीन दोबारा से करना, आई मीन रीप्ले टैग का मतलब ये है कि वो पर इंफॉर्मेशन में जिसको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं उसको दोबारा से यूज करना। फॉर व्हाट पर्पस? मे बी फॉर ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जांपल आप जब साथी से बाद में आप जब अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं जीमेल का अकाउंट लॉगिन पेज के ऊपर, तो आपका यूजर नेम पासवर्ड है दैट गोज इन एनक्रिप्टेड फॉर्म टू जीमेल सर्वर। अब अगले रास्ते में कोई थर्ड पार्टी हैकर जो है उस एनक्रिप्टेड आपके यूजर ने पासवर्ड को कॉपी कर ले तो और उसको दोबारा से थोड़ी देर बाद अलग से नेक्स्ट डे या अलग से नेक्स्ट आफ्टर वन आवर उसी यूजर ने पासवर्ड जो एनक्रिप्टेड फॉर्म है उस जीमेल सर्वर को भेजे एंड ट्राई टू लॉग इन टू योर अकाउंट, तो दैट्स कॉल्ड रीप्लेड है। लेकिन उसमें होता नहीं है ये, आई मीन दिस इज रिप्ले अटैक, लेकिन जो इससे बचने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी हैं कि आप उसमें टाइम स्टैम्प ऐड कर देते हैं या आप उसके अंदर अमाउंट्स है वो ऐड कर देते हैं रीप्ले अटैक से। अब अगर तो जो रीप्ले अटैक है वो सक्सेसफुल हो जाए लेट्स से सेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके दौरान
तो उसमें आपकी जो सेशन की है वो कंप्रोमाइज हो सकती है पहली बात, और अगर आप सेशन की कंप्रोमाइज हो जाए तो उसके अलावा आप ये भी हो सकता है कि वो जो हैकर है वो ये आपको शो करे कि भाई मैं ये पार्टी हूँ, तो आप मेरे साथ सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई मीन लेट्स से आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लेट्स से ABC के साथ, और जो हैकर है वो कहेगा ठीक है भाई मैं ABC हूँ, आप यू कैन कम्युनिकेट सिक्योरली विद मी। ये सिर्फ रीप्ले टैग को यूज़ करते हुए चलता है। फॉर एग्जाम्पल हैकर है वो जो आप और ABC जो अलर्ट से आप ए और बी दो पार्टीज हैं, अब ए और बी दो पार्टीज ने आपस में कुछ जो डेटा है वो आपस में एक्सचेंज किया फॉर म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। अब जो हैकर है वो आप दोनों की जो कम्युनिकेशन है उसको देख रहा है। अब वो देख रहा है कि जब आपने ए को कोई जब आपने बी को कुछ सेंड किया डेटा तो बी ने उसको रिस्पॉन्ड में क्या सेंड किया, इस तरह जो हैकर है डेटा को कॉपी कर रहा है। अब क्या होगा थोड़ी देर बाद जब आपने ए और बी ने आपस में कम्युनिकेट एंड कर दी, तो फिर जो हैकर है वो क्या करेगा वो ए से अलर्ट से बी से अलर्ट से बी को भेजता है अपने तरफ से वो वही मैसेज जो ए ने बी को पहले भेजा था, ठीक है। अब बी जब बी वो सेम मैसेज रिसीव करेगी तो बी क्या करेगी, बी जाहिर फिर वो सेम मैसेज रिस्पॉन्ड करेगी जो उसने ए पसंद किया था। अब इसका मतलब है कि जो ए जो जो हैकर है वो अब थर्ड मैसेज वही सेंड कर सकता है जो ए ने लास्ट में बी को सेंड किया था। चक्कर है ना, अभी जो हैकर है वो जो मैसेजेस सेम मैसेजेस को रीप्ले रीयूज कर रहा है, तो जो बी है वो क्या लेंगे जो जो हैकर आलो हैकर है वो बैड गाय है, लेकिन वो बी को कहेगा आई एम ए, क्यों, क्योंकि वो वही वाले मैसेज रीप्ले कर रहा है जो ए ने सेंड किए थे बी को। तो बी के लिए इस चीज को बिलीव करना बहुत ही आसान होगा कि बाकी मैं ए के साथ ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अब होगा असल में ये कि वो ए नहीं होगा, वो कोई थर्ड पार्टी होगी, तो क्या होगा वो जो सीक्रेट्स हैं उसके पास बी के पास वो जो उसने ए के साथ शेयर करने थे अब वो उस हैकर के साथ शेयर कर देगा। दिस इज हाउ दिस कैन रीप्ले अटैक कैन बी यूज्ड टू सक्सेसफुली इंपर्सोनेट Another part, impersonate मतलब ये कि आप ये शो करें कि मैं ये बंदा हूँ, मैं ये पार्टी हूँ। अब अगर आपका जो रीप्ले अटैक है इन दिस सेंस अगर वो सक्सेसफुल नहीं भी होता ना, तो ये जो सबसे मिनिमम लॉस क्या करेगा कि जो दोनों पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन है उसको डिस्टरप्ट कर देगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। सही हो गया, तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है कोई कन्फ्यूजन है तो जब हम स्काइप सेशन करेंगे तो कल आप तब पूछ लीजिएगा।